क्या मंजिल पाने का सही वक्त प्रारंभ हो गया और क्या है शनि राहु का तांडव जो तुला राशि के जीवन में मचने जा रहा है। वास्तव में यदि समझा जाए तो एक ऐसा खेल चल रहा है शनि और राहु के मध्य। इस समय पर राहु देव शनि के नक्षत्र पर हैं और वहीं पर शनि देव राहु के नक्षत्र पर विद्यमान हो जाएंगे 3 अक्टूबर सन 2024 से लेकर के 27 दिसंबर सन 2024 तक। माना जाता है यथा राहु तथा शनि कहा जाता है। इस हिसाब से जैसा राहु प्रतिफल देंगे वैसा शनि देंगे, जैसा शनि का प्रतिफल है वही राहु का प्राप्त होगा। और इस समय पर दोनों ही ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र पर रहेंगे, अर्थात जो कार्य होगा वो खुलकर कार्य होगा। अब इसी बात को हम जानने वाले हैं कि कैसे आगामी जो 3 महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तुला राशि के लिए जो सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में शुमार शनि देव और राहु देव हैं, इन दोनों का मिश्रण क्या परिवर्तन लेकर के आएगा, इसी बात को हम समझने जा रहे हैं। कौन से उपाय करने की आवश्यकता रहेगी, इस बात को भी इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। प्रारंभ करते हैं शनि देव से। चूंकि शनि का ही गोचर या शनि का ही नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा ठीक 3 अक्टूबर को, शनि देव इस समय पर बैठे हैं तुला राशि के ठीक पंचम भाव पर, आपके योग कारक हैं। लेकिन उसके बाद भी एक चीज समझिएगा आप, काल पुरुष की कुंडली जरा देखिए, वहाँ पर एकादश भाव जिस राशि पर शनि देव विद्यमान है वो स्थान है हमारी इच्छाओं का, और शनि देव हैं विलंब करने वाले। अर्थात एक तरफ तो हमारी इच्छाओं में प्रगाढ़ता आएगी, हमारी इच्छाओं में मजबूती आएगी, बहुत अधिक इच्छाएं हमारी बढ़ सकती है किसी कार्य की पूर्ति को लेकर के। जैसे कि ये पंचम भाव पर हैं, इस समय पर सबसे ज़्यादा ज्ञान की इच्छा प्रबल होगी। ये पंचम भाव पर हैं, अपने संतान को लेकर के इच्छाएं प्रबल होंगी, संतान के कैरियर या उनके पढ़ाई या उनके जीवन में एजुकेशन के को लेकर के हमारी इच्छाएं प्रबल होंगी। पंचम भाव हमारा लव रिलेशन है, इसको लेकर के इच्छाएं हमारी प्रबल होगी, एक नए ज्ञान की प्राप्ति की इच्छाएं प्रबल होंगी। लेकिन दूसरे तरफ शनिदेव विलम्ब के कारक हैं, हमको इच्छाएं तो मिल गई, कामनाएं तो मिल गई, लेकिन बारंबार उन इच्छाओं की पूर्ति में हमको विलंब का सामना करना भी पड़ेगा। और जिसने धैर्य रख लिया, जिसने धीरज रख लिया, समझिए शनि को उन्होंने अपने अनुकूल बना लिया। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परख यही चारी। धीर में ही खीर कहा जाता है, अर्थात एक चावल को बनने में टाइम नहीं लगता लेकिन खीर को बनने में टाइम लगता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में भी वो मिठास चाहिए तो विलंब हो सकता है, समय लग सकता है, क्योंकि शनि हमारी इच्छाओं की बढ़ोतरी भी कर रहे हैं लेकिन साथ में हमको विलंबता भी प्रदान कर रहे हैं। अब यही शनि पहुँच रहे हैं राहु के नक्षत्र पर। राहु के पास वो एक सोच है राहु के पास कि मुझे चाहिए ही चाहिए। समुद्र मंथन की घटना जरा याद कीजिए, भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे, तभी राहु का मन यहाँ पर लगा कि नहीं, शायद मुझ तक ये अमृत नहीं पहुँच पाएगी, और जा करके उस पंक्ति पर बैठ जाते हैं और अमृत का पान कर लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि शनि अब राहु के नक्षत्र पर हैं, तो शनि जहाँ पर विलंब कर रहे हैं अब राहु उसी कार्य को फास्ट ढंग से करेंगे, जल्दी जल्दी उस कार्य को पूर्ण करेंगे, क्योंकि राहु के पास छाया ग्रह है, वो एक क्षण में यहाँ तो अगले क्षण में कहीं और पहुँच सकता है। अर्थात ये एक अच्छा समय, इस समय को आप मान सकते हैं, परंतु हमारी इच्छाएँ और अधिक प्रबल होगी इस समय पर, और अधिक हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है और साथ में ये राहु के संग मिल गए, अपने बिजनेस को, अपने करियर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने की इच्छाएं प्रबल होंगी। शनि की दृष्टि इनकम भाव पर है, हमें इनकम प्राप्त हो रहा है लेकिन और अधिक इनकम की प्राप्ति हो, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी बनाना है, घर बनाना है, इसकी इच्छाओं, इनकी कामनाओं को ये मजबूत करेंगे और राहु उनका साथ इस समय पर ज़्यादा मजबूती से देंगे। शायद इसी कारण से पराशर ऋषि ने इन जो 11 नंबर के का जो भाव होता है उसे त्रिशडाया भाव में समर्पित रखा है। 3, 6 और 11वां घर त्रिशडाया भाव है और उसी 11 नंबर की राशि पर शनिदेव विद्यमान है। अर्थात हमको इस समय पर अपने धीरज
को साथ में लेकर के कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। क्या निकल के सामने आ रहा है? शनि के पास जो इनकी दसवीं दृष्टि है वो सीधे पहुंच रही है आपके धन के भाव पर। एक तरफ बहुत अधिक धन की आकांक्षा है, एक तरफ अपने पारिवारिक जीवन को सुखद बनाने की आवश्यकता है, मेरे अंदर वो समर्पण की भावना है कि मैं अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे पाऊँ। ये शनि हमारे अंदर वो टेंडेंसी जा रहा है शनि के माध्यम से, लेकिन उसमें बारंबार यदि विलंब हो रहा है तो यही तो योग है शनि का, यही तो प्रभाव है शनि का। अब इस समय पर जो कॉम्बिनेशन निकल के सामने आएगा, तो शनि के पास दो घर हैं, एक तो चतुर्थ, एक तो है आपका पंचम, और साथ में ही छठे भाव पर राहु हैं, तो हमको 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव होता है आपके फैमिली का, आपके परिवार का। यहाँ पर पंचम भाव अर्थात अपने परिवार से प्रेम अधिक इस समय पर बढ़ेगा। इस समय पर कोई ऐसा लोन लेना पड़ सकता है जो घर से जुड़ा हुआ हो या किसी वाहन से जुड़ा हुआ हो, और यदि वो हमारी इच्छाएं तो हैं लेकिन यदि किसी कारण से वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, आपने सुना होगा। हो सकता है वो कार्य पूरा होने से हमारे कुछ अहित हो सकता है, हमसे अच्छा हमारे परमात्मा सोच सकते हैं और शायद इसी कारण से वो इच्छाएं हमारी पूर्ति नहीं कर रहे हैं जो शनि के रूप में है, जो विलंब हो रहा है और हमें लगता है कि क्यों वो कार्य पूरा नहीं हो रहा है, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, धन की पूर्ति को लेकर के हो या किसी नए कैरियर की शुरुआत को लेकर के हो। पांचवा और छठे भाव का प्रभाव आ रहा है, तो पंचम भाव आपके संतान, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी का एक सोर्स बन सकता है ये राहु। छठे भाव यहाँ पर जागृत हो रहे हैं, आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें एक नवीन परिवर्तन को यहाँ दिला सकते हैं राहु, क्योंकि राहु के पास सोच ही अलग है और जो कोई नहीं कर सकता, जो अचानक से जो कार्य होता है ये सब राहु के अंडर में आते हैं और इसी कारण से शनि आपका कर्म है तो राहु उसमें एक्सपेंशन करने वाला ग्रह माना गया है, कई गुना बढ़ोतरी करने वाला ग्रह माना गया है। इसलिए इस समय पर ध्यान भी रखिएगा, यदि कोई लोन लेने की आवश्यकता नहीं है तो कदापि हमें लोन के चक्कर पर इस समय पर नहीं पड़ना है। ये सबसे अच्छा प्रभाव होगा कि अपने किसी कार्य को आप सीक्रेट रखिए, गुप्त रखिए, क्योंकि शनि हमारा कर्म है और राहु गुप्त कार्यों को दिखाता है। इसलिए अपने प्लान को, अपने किसी योजना को हम जितना गुप्त रख पाते हैं उतना ज़्यादा इस अगले 3 महीने के प्रभाव में हम सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुँच पाते हैं। एक तरफ शनि हमारा स्वयं का एक ऐसा ग्रह है जो काला है, राहु को कहा जाता है जादू, अर्थात हमारे मन में भी ऐसा आ सकता है कि कोई प्रॉब्लम आया और कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, किसी दृष्टि दोष में तो हम नहीं आ गए। हालांकि ऐसा हो सकता है, उपाय आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और इस उपाय को कीजिएगा जरूर। जौ के 27 दाने लीजिएगा और एक सूखा नारियल लेकर के इसे किसी पानी या किसी जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। किसी मंदिर में भी, इसे नवग्रह का कोई मंदिर हो वहाँ पर भी जा करके आप अर्पण कर सकते हैं। इस शनि के राहु में आपके कैरियर में एक नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट उन्नति का समय हमको दिख सकता है। सबसे बड़ा एक उपाय और कीजिएगा, भगवान शिव शंकर पर रुद्राभिषेक इस युक्ति को, इस योग को एक बेहतर परिणाम में परिणित कर सकता है। भावी मेट सकत त्रिपुरारी, जो हमारे मस्तक पर नहीं भी लिखा है उसे भगवान शिव शंकर दे सकते हैं और जो बुरा लिखा है उसे भगवान शंकर ही मिटा सकते हैं। उन पर जलाभिषेक करना शनि और राहु दोनों के दोषों का समन करता है। इन उपायों को करते हुए अपने कार्यों को निरंतरता आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर अब विलंब नहीं होगा, अब वो कार्य आगे होगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र पर शनि देव विद्यमान है। अब विलंब के ही कारण स्वामी, अब विलंब का कोई भी जगह नहीं है, आप अपने कार्य पर आगे बढ़िए। यही इस 2024 का अंतिम समय होगा जो श्रेष्ठ परिणाम के रूप में आपके समक्ष निकल करके सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक आपको पहुँचा जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है।
यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।